नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। मैं फ़कीर अबू शर्मा कादरी रिज़वी मदनपुरा से। जी, क्या मामला है और किससे मिलने आप आए? मैं नुमाइंदा कादरी शहर बनारस की जानिब से और हम तमाम उलमा की एक वफद को यहाँ पे भेजा गया है। जी, इस सिलसिले में कि आज हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, नरसिम्हा नंग जयस्वामी और इन जैसे, जो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं और गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। जबकि इसी सिलसिले में हमने ज़िला अधिकारी और पुलिस आयुक्त को जो है मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए जो हर कुछ दिनों पर हिंदुस्तान के अमन और शांति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जी, और अभी देखा जाए, इससे पहले भी कुछ लोगों ने जो है कुरान पर उंगली उठाई थी, जो वसीम रिज़वी के नाम से जाना जाता है, और अभी एक नरसिंहानंद स्वामी ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी शदीद गुस्ताखियाँ की हैं और इस और कुरान के ख़िलाफ़ भी उसने काफ़ी जो है अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हमारे मुतालबा है हुकूमत से कि ऐसे लोगों को जो है गिरफ्त करें और उनकी नकेल कसे, ताकि जो है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में अमन और शांति बरकरार रहे। इस संदर्भ में आज आपका किससे मुलाकात हो और आपने पत्र किसको दिया? आज हमने जो है एक मेमोरेंडम जिला जो है जिलाधिकारी के पास पेश किया है और दूसरा पुलिस आयुक्त को FIR करने के लिए वहाँ पर हमने जो है एप्लीकेशन दायर की है। जी, धन्यवाद। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।